We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Mankind is in a state of emergency everywhere around the globe, but we Pakistanis are in a state of war with our very own future. These are very high claims, but you need to watch this video to understand what I mean and what threats we are facing right now. Before I go on into this video, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो पूरी देखें, इसे समझें और इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें क्योंकि ये इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस कोविड-19 इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। अब जो मैं बोलने लगा हूँ इसे ज़रा समझने की कोशिश करें। देयर इज़ नो वे टू स्टॉप द वायरस but there is definitely a way to stop the rate at which the virus is spreading. सादी ज़ुबान में हम इसे जितना स्लो डाउन करेंगे और जितना आहिस्ता ही पाकिस्तान में फैलेगा उतना ही हम ना इस पे सिर्फ काबू पा सकते हैं बट इसे ख़त्म भी कर सकते हैं. All countries can still change the course of this pandemic. In order to slow down the rate this virus is being spread, you need to understand social distancing. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बाकी लोगों से जितना हो सकता है दूर रखें. There is no need to go out of homes, there is no need to meet your friends and family, and there is no need to go out to cafes and restaurants and have food there. या तो घर का खाना खाएं या होम डिलीवरी करवा के घर ऑर्डर करके खा लें, but that too in a very rare situation if you cannot make food at home. This is very important because of two reasons. One, in order to stop people from getting affected by this virus. You also need to understand this. Once you are affected by the virus, it takes 4 to 10 days for the virus to show symptoms in your body. Most of the time, आपको virus के symptoms show ही नहीं होते. But during this entire period, you act as a carrier. और आप बाकी लोगों को ये virus spread कर सकते हैं या लगा सकते हैं. Let me explain this by an example. Let's assume आप एक सेहतमंद इंसान हैं जिसे कोरोना वायरस अभी तक नहीं लगा. आप बाहर मार्केट में जाते हैं, आप एक कोई भी चीज़ लेते हैं, मसलन पानी की बोतल लेते हैं, कैश या कार्ड से आप पे करते हैं, पानी की बोतल लेकर आप सीधा घर आ जाते हैं. कुछ दिनों बाद आपके घर में किसी फर्द को कोरोना वायरस के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं जो कि हफ्ते से घर बैठा हुआ है. इस केस में वायरस आपके थ्रू उन्हें ट्रांसमिट हुआ है, उन्हें लगा है. बट कैसे? आपको तो नहीं लगा, आपने तो कोई सिम्टम शो नहीं किए. लेट मी एक्सप्लेन. हो सकता है उस दुकान में एक ऐसा इंसान आया हो जिससे इल्म में ना हो कि उसे कोरोना वायरस है. उसने चीज़ ली और पैसे देते हुए ये वायरस शॉपकीपर को ट्रांसफ़र कर दिया और आपने जब पैसे दिए अपनी बॉटल लेते हुए ये वायरस आपने उनसे शॉपकीपर से ले लिया. हाँ, मगर इस केस में आप क्यों बीमार नहीं हुए? ये इसलिए है कि इस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि इस बीमारी के असरात बहुत माइल्ड होते हैं और दूसरा ये कि हर किसी को बहुत ज़्यादा बीमार नहीं करता मगर इसके असरात यूजली 4 से 10 दिन के बाद वाज़े होना शुरू होते हैं और इस पूरे टाइम फ्रेम में पहले दिन से जब से आपको ये वायरस लगा होगा आप तब से लेके बाकी लोगों के लिए ये वायरस कैरी कर रहे होते हैं और बाकियों को लगा रहे होते हैं. इस तरीके से आपने अपने एक घर में फ़र्द को बीमार कर दिया. इन दिस केस you are being a carrier of the virus and you are not getting affected, but instead people are getting affected by you because you were the one carrying that virus. Dusri zaruri wajah to socially distance yourself from other people is to understand and implement the behavior to achieve lowering the curve. अब ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मुझे आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है. समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स कंसिडर कि एक शहर में 100 ICU बेड्स हैं. वहाँ पे कोरोना के फैलने से पहले ऑलरेडी 20 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं ड्यू टू पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, एक्सीडेंट्स वाले मिसलेनियस जो कि ऑलरेडी वहाँ पे हैं. पीछे बच के आपके पास 80 बेड्स. इन केस आप सोशली डिस्टेंसिंग नहीं करते कोरोना वायरस एकदम से फैलेगा. इसकी एग्जाम्पल आप इटली से देख सकते हैं. इटली में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं जस्ट बिकॉज दे ट्रीटेड दिस वायरस एज नथिंग. खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी. आपके पास 80 बेड्स हैं. एकदम से कोरोना के पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. आप फर्स्ट 80 पेशेंट्स जो हैं उन्हें तो ट्रीट कर सकते हैं बट जो 80 के बाद वाले होंगे उनका क्या करेंगे? यू विल बी लेफ्ट टू डू नथिंग विद देम एंड दे विल गो अनट्रीटेड. इस पॉइंट पे आके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके और फालतू में इस बहस पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि और बेड्स क्यों नहीं लग रहे या और बेड्स लगाने चाहिए. हर मुल्क इस वक्त अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ICU बेड्स और वार्ड्स तैयार कर रहा है. आप इटली के एग्जांपल ले लें. एक डेवलप्ड मुल्क is not being able to control this virus just because they treated this issue very lightly and they did not observe social distancing. Italy, as of now, is under lockdown and people above the age of 80 are not being treated. अब अपने डॉक्टर्स को ऐसी पोजीशन में ना डालें जहाँ पे उन्हें डिसाइड करना हो कि एक बंदे की जान बचानी है और दूसरे की नहीं. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस मेंटल प्रेशर और फिज़िकल प्रेशर से अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए इट इज़ बेटर टू ऑब्जर्व एंड स्टार्ट सोशल डिस्टेंसिंग. Washington Post explains this in detail in their article. The curve is showing corona patients in USA over time. The graph here is showing an exponential increase. इसका मतलब ये है कि एकदम rise आया है in the number of patients. इस situation को समझाने के लिए एक sample model लिया गया है to depict the rate of spread if we do not observe social distancing. This is how fast the virus will spread if we do not observe social distancing. If in this case we assume that out of the total population, 3/4 of the population, यानी कि 75% of the people observe social distancing, इसमें जो moving dots हैं, ये 1/4 of the population वो है जिसने social distancing observe नहीं की and they are still moving around. तो this is the rate at which the coronavirus spreads, जो कि आप देख सकते हैं बहुत slow है. इस case में हमारे doctors efficiently पेशेंट्स को ट्रीट भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं ताकि बाकी पेशेंट्स के लिए बेड्स खाली होते रहें. आप देख सकते हैं कि वायरस इज स्टिल बीइंग स्प्रेड बट द रेट एट विच इट इज़ बीइंग स्प्रेड वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया. ये वो चीज़ है विच इज़ लोअरिंग द कर्व जो कि आजकल चल रही है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट. एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर सिक यू नीड टू स्टे होम. Only go to a hospital in case of severe emergency. पाकिस्तान में इस वक्त वेदर चेंज की वजह से सीजनल फ्लू और सीजनल डिजीज़ भी फैली हुई हैं. कुछ लोगों के गले ख़राब हैं, कुछ लोगों को फ्लू वगैरह भी है. बट दिस डज नॉट मीन कि आप हॉस्पिटल चले जाएँ. सो चांसेज आर मे बी यू जस्ट हैव अ सीजनल फ्लू और अ सीजनल डिजीज़. If you are showing any signs of coronavirus illness, please contact the helpline 1166 and do as they recommend you. Or you can get in touch with a doctor or a family doctor if you have and do as they recommend. Please उठ के hospital या testing centers ना आएँ because other people are at risk कि आप उन्हें virus spread कर देंगे. या in case ये भी हो सकता है कि आपको coronavirus ना हो but आप hospital जाएँ और किसी और से आप coronavirus catch कर लें. Before I end this video, there are a few things that you need to do. Stay at home, stay hydrated, wash your hands regularly, do not touch your face. Please stay updated from authentic sources. I will mention some of the videos and tweets that I find authentic and authentic websites where you can get information from down in the description below. I urge you to please go and check them out. And finally, please take extra precaution, not just for yourself, but for people around you. Lastly, I want to clarify that I myself am not a doctor. I am just another concerned human being who has talked to people to get to know and understand the situation in a better way and have acquired the information and facts from reliable and credible sources. I request you all to please share this video with your family and friends and start acting on these recommendations before Allah na kare Pakistan ke halat वैसे ही हो जाएं जैसे इस वक्त इटली में हैं. I would like to tell you a little bit about the history of coronavirus. The coronavirus जो कि पहले से exist कर रहा था, it only shows mild symptoms such as flu, cough. अभी जो कि coronavirus फैला हुआ है, that is an updated version or a new version of corona which is known as COVID-19. This virus affects your lungs directly. In short, दूसरी जुबान में ये बीमारी आपके फेफड़ों को मुतासर करता है. एज ऑफ नाउ इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है. आप ये ना समझें कि इस बीमारी का रातों रात कोई इलाज या कोई क्योर निकल आएगा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ वैक्सीन दैट कैन बी अप्लाइड एंड यूज ऑन द जनरल पब्लिक. एज ऑफ नाउ इसका जो इलाज है वो ये है कि जब आप कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं उन्हें ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में रखा जाता है. वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आपकी बॉडी की जितनी सप्लाइज एक्सटर्नली दी जा सकती हैं, मसलन के मास्क लगा के ब्रीदिंग दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी इस वायरस को खुद फाइट करे, इसको खुद लड़े, इंस्टेड कि ये बाकी काम भी करे. सो एक तरह से आपकी बॉडी को सपोर्ट दी जाती है एक्सटर्नली और आपकी बॉडी जो है इस वायरस को खुद लड़ती है. वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से बट आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से दिस और नॉट. प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको समझ आती है तो इस पर इम्प्लीमेंट कर लें. एनीवेज व्हाट आई वांट टू से इज़ कि बाकी लोग या अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि यू डू नॉट नीड टू पैनिक. येस, यू डू नॉट नीड टू पैनिक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाएं. यू रियली नीड टू एजुकेट पीपल वर्बली, मिल के नहीं, सोशली उन्हें बताएं, फ़ोन पर बताएं. You need to tell people and make them understand that they need to stop meeting people. I am seeing people that they are being forced to meet people and greet people and shake hands and hug in a very usual and common way. अगर आपके president of Pakistan ने कल ये announce कर दिया है कि please avoid it, that it actually means कि काफ़ी serious issue है. Secondly, ये point मैं इसलिए discuss कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कौम unfortunately जहालत में डूबी हुई है. They do not understand that this is a virus. Yes, inshallah Allah will protect us. हम सारी दुआएं पढ़ें, हम सारी इबादत करें, but this does not mean कि आप physically अपना contact restrict ना करें. This means कि आप दुआएं भी पढ़ें, अपना ईमान और दीन पे भी believe करें, but at the very same time आप physically अपने आप को protect भी करें इस चीज़ से. Both of these things are very important. इसकी example इसी तरह ही है. मैंने एक वाक़या सुना था कि एक बंदा समंदर में जा रहा होता है, एक तूफ़ान आता है और उसकी किश्ती डूब जाती है. लकड़ी के फटे उसका मिल जाता है और उसके साथ वो तैर रहा होता है. थोड़ी देर बाद एक शिप आती है, कुछ लोग आते हैं, उसे हेल्प करते हैं. वो बंदा कहता है कि नहीं, अल्लाह मुझे बचाएगा. वो शिप चली जाती है, उसके साथ नहीं जाता. एक और बोट आती है, वो उससे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा. ये बोट भी चली जाती है. इसी तरह एक और बोट आती है, उस बंदे को कहती है क्या आ जाओ, हम तुम्हें बचा लें. वो बंदा कहते हैं नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा. वो बोट चली जाती है और वो बंदा डूब जाता है. जब वो बंदा ऊपर जाता है, अल्लाह से पूछता है, अल्लाह कहते हैं कि मैंने मदद के लिए तुम्हें अपने 3 बंदे भेजे होते हैं. द थिंग इज़, अल्लाह ने मदद आपको लोगों के ज़रिए ही करनी है. एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट दैट यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस एज मच एज यू कैन. प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हमारे जो हालात हैं, अल्लाह ना करे अगर इटली जैसे हो गए. I fear this क्योंकि हमारी मोस्टली कॉम अनपढ़ भी है. It would be very hard because आप complete shutdown या blackdown नहीं कर सकते, because हमारी कॉम वाकई में भूख से मर जाएगी. because हमारे कुछ मज़दूर और कुछ तबका ऐसा है जो कि daily basis पे कमा के घर लाता है और खाता है. If we are in a total lockdown, these people won't survive, and if they don't survive, it means we as a nation will fail. It is very important to take this issue very seriously. You don't have to panic, but you have to seriously start taking action as of today, as of now. Please share my message with as many people as you can. Thank you, take care, and please take precaution.